Hey guys, welcome back to our channel, The Modern Pahadis. We are back again with another vlog. आज है सिया का बर्थडे और हम आए हैं खुरपाताल में सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. कुछ गेस्ट आ चुके हैं, कुछ अभी ऑन द वे हैं, तो धीरे धीरे लंच भी स्टार्ट हो चुका है. जैसे जैसे गेस्ट आते जाएंगे, लंच करते जाएंगे, उसके बाद सब छिले ना तुम. अरे घुटने छिल जाएंगे तेरे. से रास्ता है, आगे आगे चलो थोड़ा. फोटो खींचो, ले एंजॉय ले रही है. अरे मुंह में पानी लग गया. एंजॉय, ये कहिए क्यों नहीं एंजॉय कर रही है? बहुत कपड़े नहीं उसके पास. नहीं नहीं, चलिए अब आपको बताते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में. तो ये है जे विलेज एंड रिसोर्ट. इको फ्रेंडली रिसोर्ट है खुरपाताल में. खुरपाताल एक बहुत ही सुंदर जगह है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है. हम लोगों ने, आपने पहले व्लॉग्स अगर हमारे देखे होंगे तो आप लोगों ने उनमें देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ में विज़िट किया था, जिसमें ये हमारी फ़र्स्ट चॉइस थी. ये हमने बेसिकली इंस्टाग्राम में देखी थी और लकीली ये मेरी फ्रेंड की ही प्रॉपर्टी निकली. तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इन लोगों ने, मतलब जितना भी हम उन्हें थैंक यू बोल पाए. एक चीज़ होती है ना कि आप पैसे देते हैं तो आपको लगता है नहीं सब कुछ उस पर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. कुछ एक सामने वाले का ना एक नेचर होता है कि वो आपको कैसे कंफर्टेबल रखता है. तो ये इस प्रॉपर्टी के ओनर मिस्टर तनुज बिस्ट हैं, जो उन्होंने हमें वैसा ही फील कराया कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो.
हमारे गेस्ट को या हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया, जिसके लिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। तो अब आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पे फेमस है ये जगह इस एरिया में, और इसी के पास में लेक है, तो इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब बात करें अगर डेकोरेशन की, तो यहाँ पे भी सेम वही डेकोरेटर हैं जो कि हमने पहले फ़ोटोशूट में जिनसे डेकोरेट करवाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उन्होंने अच्छी डेकोरेशन की है। ये प्रॉपर्टी हमने जो फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तो मतलब हम दोनों को ही, नितिश और मुझे, ये इतनी पसंद आई थी जैसा हम ढूंढ रहे थे। बिल्कुल कलरफुल सी, छोटी छोटी डिटेलिंग और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल टच में बनाई गई है। तो हमें था कि बस ये हमें मिल जाए। ठंड में स्विमिंग पूल में रो रही आने दी घर निकाल हमें, हमने यही फाइनल करनी है। तो बट हमें उस टाइम पे ओनर नहीं मिले, तो हमारी बात क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए हमने कई सारी प्रॉपर्टीज और विजिट करी। बट एट द लास्ट हमारा मन इसी में था कि यार हमें इससे फाइनल हो जाए, तो भगवान ने साथ दिया और हमें ये प्रॉपर्टी मिली। मेरे को टैग कर देना। ये हमारी सेकंड बर्थडे गर्ल। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब द मॉडर्न बॉडी। हाय पाही। ऐसी बातें बहुत जोर से बोलते, पास आके बोलो। ये तो थे हर्ट्स। अब दिखाते हैं आपको इनका डाइनिंग एरिया और वो जो कॉटेजेस हैं। तो ये है डाइनिंग एरिया जहाँ पे बड़ी मामी मामा जी लोग बैठे हैं, और ये केक कटिंग के लिए डेकोरेशन की है अभी। और ये है नानी जी। किसी को फोटो ले ली है आपकी? वो हम दोनों की ले ले। हाँ बिल्कुल। आजा सुना बाजू के मुनी देख दे। ठीक है सर। आ रही बेटा, आ रही हूँ। चलिए चलते हैं अब नीचे। ये यहाँ झूले भी हैं, एक यहाँ पर है और एक थोड़ा और आगे जाके है। वो देखिए स्विमिंग पूल। ये मामा जी, ये हमारी ब्यूटीफुल मामी जी, और ये है स्विमिंग पूल। इधर पूरन भैया, ताई, शोभा भाभी, मीशु, टिम्पी, वासु। बोला उन्होंने वहाँ घर में कुछ नहीं, सो रहे थे। मामा यही स्पेशल मास्टर कह रहे कभी 8 नंबर पे आएगी, कभी कह रहे 12 नंबर पे आएगी। तो अभी तो गया लेकर के तो सही तो है, याद कर रहा है ना। कल तो कल तो अम्मा के काम नहीं हो गए पीछे पड़ गए। अम्मा का यही तो चाहिए। तूने तो अभी देखा ही नहीं, क्या कर ले। अरे कल भी लगे थे। अम्मा अम्मा आई दिल्ली से। अरे जाए तुम देख, कितने जाके ले रहे हो? कौन जा रहे?
करे, तीन घंटे से कहाँ से आ रही है अम्मा जी? हाँ, हाँ, हाँ। दोस्तों मिलने चले गए, कई रिश्तेदार में ले जाने लाएंगे। अभी तो चलो जल्दी यहाँ बैठे रहोगे, देखोगे फिर ताल। अभी तो ऊपर से आ रही हूँ। चलो नहीं मम्मी, चलो तुम कहाँ जा रही हो? हम जा रहे घूमने। तुम भी चल रही हो कहाँ? मैं खुरपा दाल कौन कहिएगा अलग। हाँ इसी में तो कह रहे हैं लेक पे इसमें। वैसे दो दो मिशी हो गए, पता नहीं चल रहा किसको कौन बुला रहा, कोई भी बुला रहा। बोल लेगा आ रही हूँ। अरे बच्चे दे रहे हैं मेरे को संभालने के लिए। वाह देख रहे हो, देख रहे हो आसमान चढ़ना से। हाँ वो हमें कुछ हमें कोई खिलाड़ी चाहिए इसमें। हाँ हमें कोर्ट कंटेंडर चाहिए। तुमने उसको दे दिया गुस्सा उसको? वो खुद ही ले आई। आ रही है वो मामा जी। ओए मेरे चांद, क्या हालत रे? बढ़िया बताओ, आप बताओ। बस बढ़िया चल रहा है। बस बढ़िया चल रहा है। खूब लूट रहा है गूगल वालों को? मैं कहा लूटा हूँ गूगल वालों को? गूगल वालों अच्छा खुद ही लुटा रहे हैं? लूटो लूटो कह रहे हो? आई कर रही तो रहे रिप्लाई कर रहे हैं उनके आपस में बात चल रही है। अरे 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 पैर गुजेगा, तेरे पैर गुजेगा, कहाँ गुज रही है? और करो और करो। अरे वो बड़ा नीचे बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। अभी अभी कर ओ अभी कर ब्रो सुना, अभी कर सुना, अभी कर ब्रो सुना सुना कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। मेरी जो मुंह देख रही है वो रो रही है करके। कोई बात नहीं बेटा, उसे जोर से दबा दियो। कोई बात नहीं, वो तो कितनी क्यूट दीदी। मामा जी का मूड खराब कर दिया। कितना मजा आ रहा था पता कहती नीचे छोड़ दो गोदी में ले। पानी में तो खुश रहती है वो। अब हम जा रहे हैं लेक देखने, जो कि यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में है। टमाटर कितने लगे मम्मी? दुपट्टा निकाले। ये है यहाँ की फेमस लेक, और कहा जाता है कि ये जो एल्गी होती है ना, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं, जब वो उसके बीज बनते हैं या मीन्स एल्गी तो कलर चेंज करती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस झील का, इस लेक का कलर भी चेंज होता है। तो ये काफ़ी फेमस है और बहुत ही ऑसम लुक देती है यहाँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिच्छू का ऐसी ऐसी जब लगाते नहीं है। अरे इसकी बोल ले पाही को बिच्छू घास लग गया। क्या कहते मामा जी उसे? मामा जी और क्या बोलते उसे? सिसोड़। देखो इसके ही लग गया बिच्छू घास। फिर रोते हुए नहीं जाना है, रुक जाओ नीचे भी कांटे वाले नीचे। अभी वो ये बाबू
आपको जाना है तो कैसे बोली दीदी को सभी ना पकड़ ले सब अपने आप में एक पकड़ के चलो लगाते साढ़े पाँच बजे रेडी करते हैं उसको दो लड्डू को अरे नीचे देखना इसका वो पैर बीच में ना अब तो पार कर दिया गैप उठाने वाला मम्मी बेटा तुम लुढ़क नहीं जाना ऊपर को जाओ कोल्ड ड्रिंक ऊपर जाओ पहले नहीं दिया आ जा वहीं ले लेते एक पत्ते फेंक रही है और ऊपर मांग रही है हाँ बेटा ये ऊपर नीचे मिशो गेर मत जाना वो पत्ते बार बार फेंकने उठाने में जाइए जाइए जी जी अब जाइए फोकस होना चाहिए ना पता चलना भावना खाने ही दे रही है यदि खाने जाओ मतलब बुरा लगता है फोकस पता चलना चाहिए कल के दिन कह नहीं सकते ना कि मैंने तो ये टेस्ट नहीं हाँ हमने तो ये टेस्ट नहीं करी इसलिए सबूत वो वैसे बदनाम कर देते हैं उन्हें वो नानी के लिए भी लेके जा रही थी सबके लिए लेके जा रही बदनाम हो गया थी थोड़े बदनाम नानी को तो नाना सब अपने वाला देके आया है पूरा खाली कर दिया वहाँ वही तो बोल रहे अरे नाना मैं अभी ये है ये बर्थडे के लिए बर्थडे गर्ल और ये बर्थडे गर्ल को नहीं दिखा रही हो जो खा रही है बर्थडे गर्ल को दिखा दिया मैंने इनको क्या हो गया ना गुस्सा हो जाएंगे हंसते रहियो क्या हाँ सबूत होना चाहिए ना अब कोई कह नहीं सकता मैंने ये खाया नहीं ये टेस्ट नहीं करा ताई जी बैठ जाइए अच्छा भाग रही है करारे एक बार और रिद्धू चाय की कॉफी बढ़िया मैंने क्या हो रहा है
अरे यार ये तो खतरनाक है, एक कप जल चाय पी रहा तो बना दे रही है। ये सब वो छोड़ दिया। अगर एंड में राशन पानी कम हो गया कि देर देखिए हर बार ये खा रहे हैं। Happy birthday to you. अब थोड़ा थोड़ा आ रही हूँ उसकी एनर्जी वापस। दादू कैसे करते हैं? दादू कैसे कर रहे हैं? अब लग रहा है कि तीनों का बर्थडे है। ये है ये Let's go.
लो तुमने किसी का क्या मिसाल तुमने लो तुम किसी का जीने का उसे नहीं तू की जरूरत
संभाली नहीं होगी।
जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुकने से दानी कब आएगी तू दीदी रानी जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे आ जाए आ गया तो बहुत कुछ आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुतने से रानी कब आएगी तू दीदी जिंदगी रानी कब आएगी तू सब्जी मंडी भर पड़ी थी घर के लगे ठंडी
और जो है मैं साइड में बैठा हुआ, ये लगा ला हम दोनों की ऐसी हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई कोई सामने आ जाए ना उड़ाई देना, मैंने कहा रुक ना मत, क्योंकि यहाँ माहौल देखो दोनों चारों टायर ही बस चल रहे हैं उस पे। इधर तो नाला था बहुत तगड़ा और दूसरी तरफ खेत और पुस्ता टाइप का था। अब लगा ऐसे रास्ता था। सब दुबकते फिर रहे भावना से ठंड हो रही है, देखो कितनी ठंड हो रही है, तेरे को लग भी रही है ठंड। अरे मामा मिल गई अरे भाई ओची ओची आज कभी घर का बॉल इसको दूसरा बना के लो, गर्म करके
यहाँ पे बैठ जाए। हाँ नाम भी कर रहा है पर शांत करा मुझे।